हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट विजन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ एड्रेस के बारे में। अगर आप जी डी एस टू पोस्ट मॉन, जी डी एस टू पी ए या जी डी एस टू एम टी एस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, मेथड ऑफ एड्रेस है वो पीओ गाइड पार्ट वन के क्लॉज नंबर 26 से लेकर 31 तक है। अगर आपको मेथड ऑफ एड्रेस का जो पता लिखने का प्रमाण है वो अगर पूछा जाता है तो वो क्लॉज नंबर 26 से 31 तक है। इसमें जो आप अगर एड्रेस जो है, आप किसी को एड्रेस करते हैं, लेटर भेजते हैं, उसका जो पता होना चाहिए वो किस प्रमाण में होना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत रूप से दिया गया है। क्योंकि वो एड्रेस भेजने वाले का कैसा होना चाहिए, रिसीवर का एड्रेस जो है वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में दिया गया है। क्लॉज नंबर 26 देखते हैं मेथड ऑफ एड्रेस के बारे में। पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड, यानी कि क्या आपको फर्निश करना है, क्या पर्टिकुलर्स आपको पोस्ट ऑफिस में जब भी आप कोई लेटर पोस्ट करते हैं उस तब देना है। द प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल इज ग्रेटली फैसिलिटेटेड इफ इट इज एड्रेस्ड इन करेक्ट मैनर। तो जो फ्रॉम डिलीवरी है वो पोस्टल आर्टिकल की, वो ग्रेटली फैसिलिटेटेड, यानी कि कब पूरी तरह से होती है, जब उसका एड्रेस है जो भेजने वाले का या रिसीवर का, लेने वाले का जो एड्रेस है वो पूरी तरह से करेक्ट मैनर में होता है, तभी उसको जो है प्रॉम्प्टली डिलीवरी होती है। नेक्स्ट है डिले टू करस्पॉन्डेंस एंड मिस्टेक इन अ डिलीवरी ऑफन रिजल्ट फ्रॉम एन इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट पोस्टल एड्रेस। तो अगर आपका जो एड्रेस है वो इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट है तो इसमें आपका जो आर्टिकल का डिलीवरी है उसमें डिले हो सकता है। द एड्रेस शुड बी देयरफॉर बी कम्प्लीट एंड डेफिनेट इनफ टू इंश्योर द इजी ट्रांसमिशन ऑफ द आर्टिकल एंड इट्स डिलीवरी ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ द एड्रेसी विदाउट एनी इलेबरेट इंक्वायरी। तो जो आपका एड्रेस है वो शुड बी कम्प्लीट होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, ये क्योंकि वो आपका जो इजी ट्रांसमिशन हो और इजीली डिलीवर हो, ज़्यादा उसको जो इंक्वायरी करनी नहीं पड़ेगी, तो ये आपका एड्रेस, इसलिए आपका जो एड्रेस है वो कम्प्लीटली होना चाहिए पूरी तरह से, और वो डेफिनेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है पब्लिक कैन हेल्प पोस्ट ऑफिस कीपिंग बाय कीपिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड वाइल एड्रेसिंग देयर करस्पॉन्डेंस। तो जो पब्लिक है उन्हें जो पत्राचार पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए, जो नीचे दिए गए पॉइंट्स है वो ध्यान में रखने चाहिए कि देखते हैं कौन से पॉइंट्स है। द एड्रेस शुड बी रिटर्न इन पैरेलल ऑफ लेंथ ऑफ द कवर एंड इट्स इन द लोअर हाफ एंड टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द आर्टिकल। जो कवर है पोस्ट ऑफिस का, जो आप कोई कवर लेते हैं तो उस कवर का जो पैरेलल लेंथ है हाफ ऑफ लोअर हाफ द, उससे टूअर्स यानी राइट हैंड साइड है वहाँ आपको एड्रेस लिखना है। लिविंग द क्लियर मार्जिन एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर, आपको 3 सेंटीमीटर का जो मार्जिन है ऊपर के साइड पोस्टेज स्टैम्प्स या कोई लेबल या पोस्टमार्क या इंडिकेशन के लिए रखना है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो एड्रेस साइड है वो किस साइड लिखा जाता है, तो जो टूअर्स द राइट हैंड साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द आर्टिकल, यानी कि जो आर्टिकल का सामने वाला हिस्सा है उसमें राइट हैंड साइड फ्रंट ऑफ द आर्टिकल, और उसके ऊपर आपको 3 सेंटीमीटर का जो मार्जिन है वो छोड़ देना है, क्योंकि वहाँ आप जो पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प्स हो या पोस्टेज हो या कोई पोस्टल इंडिकेशन हो उसके लिए आपको छोड़ देना है। और दूसरी नेक्स्ट देखते, द पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड इन ब्लॉक लेटर एंड अकॉर्डिंग टू अपलोड इन स्पेलिंग इन द लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 3, जो कि पीओ गाइड का जो पार्ट 3 है उसमें पोस्ट ऑफिस की लिस्ट दी गई है, उस हिसाब से ही पोस्ट ऑफिस का नाम है वो बड़े अक्षरों में, यानी कि ब्लॉक लेटर्स या कैपिटल्स में लिखनी है आपको पूरी तरह से। इट शुड बी ऑल्सो अंडरलाइन, तो उसको आपको अंडरलाइन भी करना है, यानी कि जो अंडरलाइन यानी कि रेखांकित करना है कि इस टाउन का है एड्रेस है। साथ ही साथ द पिन कोड ऑफ पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड बिलो, जो पिन है पोस्ट टाउन का वो नीचे नोट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, द फॉलोइंग पर्टिकुलर शुड बी जनरली फर्निश्ड इन द एड्रेस एंड इन द सेम ऑर्डर एज नोटेड बिलो। तो जो
देखते हैं इन केस ऑफ रूरल एरिया और इन केस ऑफ अर्बन एरिया है, कि यानी कि अगर आपका एड्रेस है वो अर्बन एरिया का होता है तो उस हिसाब मामले में है कौन सा आदि एड्रेस होना करेक्ट होना चाहिए। अगर ये आपका जो एरिया है रूरल एरिया है यानी कि ग्रामीण इलाकों का है तो को आपका एड्रेस जो है किस हिसाब से होना चाहिए। पहले हम अर्बन एरिया का देखते हैं। अर्बन एरिया का है तो पहले आपका नेम ऑफ एड्रेस ही यानी कि आप किसको पता लेटर जो है पत्र भेज रहे हैं उनका, साथ ही साथ अगर वो कोई प्रोफेशन पे है कोई काम करते हैं तो वो उन उससे नीचे नंबर ऑफ द नेम ऑफ द हाउस या उनके गली का पता, लास्ट में नेम ऑफ द लोकेलिटी और मोहल्ला यानी कि कोई वो लोकेलिटी में रहते या कोई नगर में कोई टाउन में रहते तो वो अगर उनके पास कोई पोस्ट बॉक्स है तो आप वो भी लिख सकते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट टाउन एंड पिन कोड, तो जो उनका जो पोस्ट ऑफिस है या पोस्ट टाउन है वो और उसके नीचे नेम उसका पिन कोड, लास्ट में लिखना है आपको नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एंड पिन कोड। तो आपको जो उसका पोस्ट टाउन का जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखना है, साथ ही साथ उसके नीचे जो है पिन कोड लिखना है। और ये रूरल एरियाज में है आपको जो है एड्रेस लिखना है, साथ ही साथ उसके फादर मदर जो है उनका भी नाम लिखना चाहिए, वो प्रोफेशन करते हैं कोई जॉब करते हैं तो उनका जॉब भी लिखना चाहिए, नंबर ऑफ हाउस जो हाउस का नंबर है अगर वो मिलता है तो लिखना चाहिए, अगर कोई गली है उस रूरल एरिया में वो भी लिखनी है, नेम ऑफ द विलेज थाना या हुबली यानी कि जो उनका नेम है विलेज का, साथ ही साथ उनका जो पोस्ट ऑफिस है वो भी लिखना है, नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी एंड पिन कोड, तो जो उनका पोस्ट ऑफिस है वो और उनका जो पिन कोड है वो, नेम ऑफ द तालुका उसके बाद में नेम उनका जो तालुका है वो, दिस इज नॉट नेसेसरी इफ करेक्ट पिन कोड, अगर वो तालुका नहीं लिखते तो भी चलेगा लेकिन उनको पिन कोड जो है वो लिखा होना जरूरी है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, तो लास्ट में आपको उनको उनका जिला और जो राज्य है वो भी लिखना जरूरी है। दिस इज़ नॉट नेसेसरी इफ करेक्ट पिन कोड इज रिटर्न, अगर उन्होंने अपना पिन कोड जो है वो करेक्टली दिया है तो उन्हें ये लिखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ देखते हैं दिखाया कि हमने अगर एड्रेस जो है वो रूरल एरियाज में होगा तो कैसा होना चाहिए या अर्बन एरिया में कैसा होना, इस ये जो पूरा क्लॉज है इसमें यही दिया गया है कि आपका एड्रेस कैसा होना चाहिए। या कई जीडीएस भाई काम करते हैं तो उन्हें पता होता है कि कई बार ऐसे लेटर्स आते हैं कि जिसके ऊपर कोई एड्रेस नहीं होता या इनकम्प्लीट एड्रेस होता है, तो वो उसे बंद करने के लिए उसे से छुटकारा पाने के लिए पब्लिक को आप एडवाइस दे सकती कि इस तरह से एड्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट इज एक पॉइंट नंबर डी, इट इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू नोट द डिस्ट्रिक्ट इन केस वेयर देर इज अ मोर देन वन पोस्ट टाउन बेरिंग द सेम नेम ऑफ पिन इज नॉट नोटेड, अगर वो पोस्ट टाउन एक ही है और पिन कोड नोट नहीं किया तो उसके जिले का नाम है वो लिखना चाहिए। इफ द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज द सेम एज दैट पोस्ट टाउन, अगर पोस्ट टाउन का जिला है वो भी सेम है तो वहाँ आपको स्टेट का नाम नोट करना चाहिए। इंडिकेशन रूट लाया वाया जो कि आप कई बार लिखा होता है वाया जो है वो नहीं लिखना चाहिए। नेक्स्ट दे इन द केस ऑफ पार्टिकल एड्रेस्ड टू फॉरेन कंट्रीज द एड्रेस शुड बी रिटन इन रोमन लेटर एंड अरेबिक फिगर, अगर आप कोई फॉरेन कंट्रीज या विदेश डाक है वहाँ आप लेटर भेज देते हैं तो आपको जो है उसका जो एड्रेस है वो आपको रोमन लेटर में लिखना है और अरेबिक फिगर या दोनों में लिखना है। इसके ऊपर आपको एक कोई सवाल आ सकता है कि जो फॉरेन कंट्रीज है उनका एड्रेस किस तरह से लिखा जाता है, तो यहाँ लिखा जाता है जो एड्रेस है फॉरेन कंट्रीज के लिए वो रोमन लेटर्स में या अरेबिक फिगर्स और अरेबिक फिगर में लिखा हो जाता है। विदेशी देशों के जो संबंधित लेखों के मामले हैं पता लिखने के लिए आपको रोमन पत्र या अरबी अक्षरों का ही इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखते, इट इज डिजायरेबल टू नोट द सेंडर एड्रेस प्रेफरेबल इन द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑन द एड्रेस साइड और फॉलोइंग दैट ऑन द रिवर्स ऑफ दिस आर्टिकल, जो भेज रहा है उसका जो एड्रेस है वो
लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस, तो लोअर लेफ्ट हैंड का जो आपका जो लिफाफा है उससे लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में उसका जो एड्रेस है वो लिखा होना चाहिए, या जो लिफाफे के बैक साइड यानी कि रिवर्स साइड होना जरूरी है, भेजने वाले का पता। देर शुड बी एन इंडिकेशन फ्रॉम टू वेट इट्स बींग मिस्टेकन फ्रॉम एड्रेस इन पर्टिकुलर, तो ये उसके ऊपर किसको भेज रहे टू और फ्रॉम भी लिखा होना चाहिए कि क्योंकि जो गलतियाँ हैं उन ना हो सके। इन केस द आर्टिकल इंटायरली टू कंसेशनल रेट ऑफ द पोस्टेज और टू बी ट्रांसमिटेड फ्री ऑफ पोस्टेज, द क्लास ऑफ आर्टिकल एग्जाम्पल बुक ऑफ पोस्ट ब्लाइंड लिटरेचर शुड बी क्लियरली नोटेड ऑन द टॉप ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ द एड्रेस। अगर कोई कंसेशनल रेट्स में या फ्री ऑफ पोस्ट से जो फ्री ऑफ पोस्ट है या ट्रांसमिटेड फ्री यानी कि जो ब्लाइंड लिटरेचर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाता है उससे कोई आर्टिकल पोस्ट करता है तो उसे जो एड्रेसी साइड है उसके फ्रंट साइड में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि ये आर्टिकल कौन सा है, बुक पोस्ट है या ब्लाइंड लिटरेचर है, ये क्लियरली नोट किया जाना चाहिए। द इंडिकेशन लेटर शुड बी गिवन द एड्रेस साइड ऑफ बल्की लेटर्स, अगर वो बल्क लेटर्स है तो उसके ऊपर लेटर जो है वो इंडिकेशन होना चाहिए ताकि वो पार्सल में ना जाए। अगर कोई बड़ा वाला लेटर पोस्ट करता है तो उसके ऊपर लेना लिखना जरूरी है कि ये लेटर्स है या स्पीड पोस्ट है या रजिस्टर्ड लेटर्स है। ऑन विच ऑन अकाउंट देयर साइज मेकअप माइट बी मिस्टेकन फॉर अदर क्लासेस ऑफ पैकेज, अगर कोई 1.5 किलो का या 2 किलो तक का कोई बॉक्स में लेटर लाता है तो उसके ऊपर रजिस्टर लेटर लिखना ज़रूरी है, नहीं तो शॉर्टिंग के दौरान उसे पार्सल में भी जा सकता है। नेक्स्ट इज द एच, द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सर्टन हाई गवर्नमेंट ऑफिसर आर अलाउड टू फैसिलिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ देयर मेल्स टू देम वेर एवर दे मे हैपन टू बी टूर विद इन इंडिया। जो हमारे राष्ट्रपति है पंत प्रधान जी है और उनके साथ मिनिस्टर और साथ ही साथ कई जो उच्च सरकारी अधिकारी है उनका मेल डिलीवरी सुविधा दी जाती है, वो भारत के किसी दौरे पर भी हो या भारत के दौरान किसी दौरे पर हो जहाँ कहाँ भी हो उन्हें मेल डिलीवरी की सुविधा दी जाती है। अ लिस्ट ऑफ हाई ऑफिसर्स एंटाइल टू द प्रिविलेज विल बी फाउंड इन क्लॉज नंबर 206, जो 206 ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल का जो क्लॉज है उसमें जो उच्च अधिकारी हाई ऑफिसर्स है उनका लिस्ट है। आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर डिलीवरी इन कैम्प टू सच ऑफिसर शुड नॉट बी एड्रेसड एनी पोस्ट टाउन बट ओनली टू देयर कैम्प एज इंडिकेटेड इन क्लॉज नंबर 206, जो 206 में दर्शाया गया है कि जो कैंप बैग है वो किसी पोस्ट टाउन को एड्रेस नहीं होती लेकिन वो जिनका एड्रेस है कैंप का वहाँ ही एड्रेस ही किया जाता है। यहाँ देखते कि कुछ एग्जाम्पल है करेक्ट ऑफ एड्रेस के, ABC इंजीनियर मंदिर मार्ग गोले मार्केट न्यू दिल्ली, तो एक करेक्ट एड्रेस है। अगर वो अर्बन एरियाज में है तो ये एड्रेस है, अगर वो रूरल एरियाज में है तो लक्ष्मी वाइफ ऑफ चिक्कारम और धोबी बुक्कापत्तनम विलेज बुक्कापत्तनम पिन कोड, साथ ही साथ पेनुकोंडा यानी कि उनका तहसील तालुका और लास्ट में डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट देखते क्लॉज नंबर 27, मेल्स फॉर डिफेंस सर्विस पर्सनल सर्विस इन द आर्मी एंड एयरफोर्स, जो कि आर्मी और एयरफोर्स की सेना और वायुसेना में सेवारत रक्षाकर्मी से है उनके लिए कोई मेल्स है तो वो कैसे भेजा जाता है, इसलिए इसका जो है इसमें दिया गया है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर शुड बी ऑलवेज फर्निश्ड इन द एड्रेस इन द इन केस मेल्स ऑफ द पर्सनल ऑफ द डिफेंस सर्विंग इन द आर्मी एंड एयरफोर्स विच आर टू बी डिलीवर्ड थ्रू आर्मी पोस्ट, जो कि आर्मी पोस्ट का जो आर्टिकल्स है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी पोस्ट से ही डिलीवर होते और उन्हें जब पोस्ट करना होता है अगर आप उनके लिए आर्टिकल बुक करते हैं तो उसका जो एड्रेस होना चाहिए वो इस हिसाब से होना चाहिए। पहले आता है नेम, जो उनका जो वहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट आईडी है वो या कोई उनका रैंक नेम है
नंबर है वो आता है, बाद में आता है उनका रैंक, वो किस रैंक पे काम कर रहे हैं, उसके नीचे आता है उनका नाम, वो किस नाम के, क्या नाम है उनका वो, और लास्ट में आता है यूनिट, यानी कि वो कौन से बटालियन यूनिट में है या कहाँ है। तो इस तरह से आप किसी भी आर्मर फोर्सेस पे एड्रेस करते हैं, लेटर भेज देते हैं, तो उनका एड्रेस जो इस टाइप में होना चाहिए, सच मेल शुड बी एड्रेस 56 APO और 99 APO ETC विदाउट एडिशन इन टाउन एनी पोस्ट टाउन। आप ये जो एड्रेस है वो किसी भी पोस्ट टाउन को नहीं, सिर्फ और सिर्फ 56 APO और 99 APO को ही पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते क्लॉज नंबर 28, मेल्स फॉर नेवी पर्सनल सर्विंग इन INS शिप, जो कि शिप में काम, INS शिप में जो काम करते हैं उनके लिए जो है, नेवी के लिए, उनके लिए अगर आपको लेटर भेजना हो तो कैसे भेजें। मेल्स फॉर नेवी पर्सनल ऑन बोर्ड INS शिप शुड बी एड्रेस केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। इसके ऊपर सवाल आ सकता है कि अगर आपको INS शिप को लेटर भेजना है तो एड्रेस किसको करना है, तो आपको जो है INS शिप को कोई एड्रेस करता है तो वो केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे, और कैसा भेजना, नंबर रैंक एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द सेम एज अ आर्मेड फोर्सेस का होता वैसे, एज वेल द नेम ऑफ द शिप, जो इसके जहाज है उसका भी नाम है तो भी आपको इंडिकेट करना है। क्लॉज नंबर 29 देखते हैं, एड्रेस आर्टिकल्स बेरिंग इनडेफिनेट एड्रेस, यानी कि अपूर्ण पते से जो आर्टिकल्स है वो देखते हैं। नो आर्टिकल्स विल बी डिलीवर बाय द पोस्ट ऑफिस अनलेस बियर्स डेफिनेट एड्रेस, जो कि अपूर्ण पते है, अगर डेफिनेट एड्रेस नहीं है तो पोस्ट ऑफिस उस पत्र को वितरित नहीं करेगा। आर्टिकल एड्रेस इन अ जनरल वे आई एड्रेस टू क्लास ऑफ पर्सन इन अ कॉन्ट्रेडिक्शन टू अ पर्टिकुलर पर्सन और फर्म एंड एड्रेस आर्टिकल एड्रेस टू इनिशियल ऑफ फिगर्स और क्लियरली फिक्टिशियस नेम और टू अ क्रिशियम नेम विदाउट अ सरनेम आर रिगार्डेड एज नॉट बीरिंग अ डेफिनेट एड्रेस अनलेस दे आर टू द केयर ऑफ सम डेफिनेट पर्सन और फर्म और अनलेस द एड्रेस स्पेसिफाई सम डेफिनेट प्लेसेस और डिलीवरी सच अ पर्टिकुलर हाउस और पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस और पर्टिकुलर नंबर इन अ स्ट्रीट। तो जो ऐसे आर्टिकल्स है एड्रेस्ड टू जनरल वे, यानी कि ऐसे आर्टिकल क्लास ऑफ पर्सन लिखा होता है या कॉन्ट्रडिक्शन पर्टिकुलर लिखा होता है या कोई फर्म लिखा होता है या सिर्फ एक व्यक्ति के इनिशियल पे के नाम पे या कोई आभासी या नकली नाम पे भेजा जाता है या क्रिश्चियन का जो नाम है विदाउट सरनेम उसके ऊपर लिखा जाता है, तो ये सब इनडेफिनेट एड्रेस है, तो इसको पूरी तरह से लिखा होता है तभी आप इसको डिलीवर कर सकते हैं, यानी कि वितरित कर सकते हैं। आर्टिकल एड्रेस इन जनरल वे टू इनिशियल और इनिशियल फिगर्स, तो जो है जनरल वे में इनिशियल फिगर्स में है वो भी आप डिलीवर नहीं कर। क्रिश्चियन नेम्स विदाउट सरनेम वो भी नहीं, फिफ्टीसियस नेम यानी कि जो नकली नाम और कॉन्वेंशनल मार्क से वो भी नहीं कर सकते। इफ एड्रेस मेयरली टू पोस्ट ऑफिस और पोस्टल रिस्टेंट इन द केयर ऑफ पोस्ट मास्टर तो भी आर्टिकल डिलीवर नहीं हुए। देखते द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट एड्रेस, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, आप ये पीओ गाइड में भी दो नोट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेट एड्रेस कैसा होगा, चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ HP यानी कि हरियाणा लिटरेट शिमला, और इनडेफिनेट चीफ सेक्रेटरी शिमला, यानी कि चीफ सेक्रेटरी है लेकिन कहाँ के है पता नहीं, शिमला में कितने चीफ सेक्रेटरी हैं पता नहीं, ये इनडेफिनेट होता है। नेक्स्ट थी पॉइंट नंबर 3, पार्सल और अदर आर्टिकल टेंडर टू द पोस्ट ऑफिस फॉर ट्रांसमिशन अंडर द रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस और वैल्यू पेएबल सिस्टम एज ऑल्सो मनी ऑर्डर विल नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस दे आर डेफिनेटली एड्रेस्ड टू पर्टिकुलर पर्सन और फर्म। जो पार्सल है, मनी ऑर्डर है, वैल्यू पेएबल आर्टिकल है और रजिस्टर लेटर इंश्योर्ड आर्टिकल जो है, सभी तरह के आर्टिकल है जो जब तक तो उसका डेफिनेट यानी कि पूरी तरह से निश्चित पता नहीं लिख देते तब तक आप उसे बुक नहीं कर सकते। सच आर्टिकल एड्रेस्ड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और फर्म केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स एंड द नेम ऑफ ऑफिस
where the post box stand register will also acceptable provided they are addressed to person firm in whose name post box stands register. तो कई बार ऐसे होता है कि पोस्ट बॉक्स के पते पर भेजा जाता है, लेकिन वो पोस्ट बॉक्स उस पोस्ट ऑफिस में रजिस्टर होना चाहिए और उसको एक्टिव होना चाहिए, यानी कि उसका रेंट है जो पेड होना चाहिए, तब तो आप पार्सल या रजिस्टर ऑल्सो बुक कर सकते हैं. इन द ऑफिस ऑफ डिलीवरी इफ इट इज फाउंड दैट देर इज नो पोस्ट बॉक्स इन द नेम ऑफ एड्रेसी और एड्रेसी हैज सीज्ड टू द रेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस द आर्टिकल विल बी रिटर्न टू सेंडर. अगर कई बार ऐसा होता है कि पोस्ट बॉक्स के नाम पे लेटर आ जाता है लेकिन वहाँ कोई पोस्ट बॉक्स नहीं होता, या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पोस्ट बॉक्स पे लेटर आ जाता है लेकिन जो पोस्ट बॉक्स के रेंटर है उन्होंने अपना रेंट देना या अपना पोस्ट बॉक्स है वो सील किया है, सीज किया है, तो जो लेटर आए हैं उन्हें आप रिटर्न टू सेंडर ही कर सकते हैं. एडिशन ऑफ सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो भेजने वाला है उसका पता. एवरी आर्टिकल शुड बियर द बियर ऑन द बॉटम ऑफ लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर इंक्लूडिंग पिन इन ऑर्डर दैट पोस्ट ऑफिस मे एबल टू इन केस नॉन डिलीवरी टू रिटर्न इट अनओपन्ड एंड विदाउट डिले. तो जो एड्रेस है भेजने वाले का एवरी आर्टिकल पर, यानी कि ईच एंड एवरी आर्टिकल पर, प्रति आर्टिकल पर उसका जो भेजने वाले का एड्रेस है वो बॉटम ऑफ द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर लिखा होना चाहिए इंक्लूडिंग पिन, पिन नंबर के साथ, क्योंकि अगर इनकेस जो आर्टिकल है वो नॉन डिलीवरी होता है तो उसे अनओपन्ड आप ओपन बिना किए ही उसे डिलीवर कर सके और उसे विदाउट डिले यानी कि देरी ना किए हुए उसे रिटर्न टू सेंडर कर सके. दिस इज स्पेशली डिजायरेबल इन द केस ऑफ रजिस्टर आर्टिकल वेदर लेटर ऑफ पार्सल और अनरजिस्टर पार्सल. तो ये स्पेशली आवश्यक है क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्टर लेटर या पार्सल भेज रहे हैं, तो ये आपके लिए नेसेसरी है. नेक्स्ट देखते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ अनडिलीवर्ड पार्सल्स आर्टिकल डिस्ट्रॉयड एवरी ईयर वेरियस RLO रिटर्न लेटर ऑफिस बिकॉज दे कंटेन नो क्ल्यू आउटसाइड और इनसाइड टू द वेयरहाउस द सेंडर्स. यानी कि जो RLOs है वहाँ लार्ज नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स है वो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर रिटर्न टू सेंडर किया हो जाता है या कोई एड्रेस नहीं मिलता तो सेंडर का भी एड्रेस नहीं मिलता, इसलिए आपको सेंडर का एड्रेस लिखना जरूरी है. इट इज़ ऑल्सो सजेस्ट दैट द इन केस ऑफ फोटोग्राफ सेंड बाय पैकेट ऑफ द पोस्ट ऑफिस द नेम ऑन एड्रेस ऑफ द सेंडर शुड बी ऑलवेज रिटर्न ऑन द बैक ऑफ द फोटोग्राफ. अगर आप फोटोग्राफ पोस्ट ऑफिस से भेज देते हैं तो उस फोटोग्राफ के नीचे आपका जो सेंडर का जो नाम और पता है वो भी लिखना जरूरी है. लास्ट देखते हैं क्लॉज नंबर 31, इंटीमेशन टू एड्रेस टू करस्पॉन्डर्स अब्रॉड. अगर आपको कोई विदेश से अब करस्पॉन्डर्स करना चाहता है, कतर भेजना चाहता है, तो क्या करना चाहिए? तो पब्लिक आर एडवाइस व्हेन फर्निशिंग देयर एड्रेस टू करस्पॉन्डर्स अब्रॉड टू मेंशन द नेम ऑफ स्टेट इन इंडिया विच दे रिसाइड. तो वो आपने किस राज्य में रहते हैं, रेसिडेंस करते हैं, वो उन्हें बताना है. आगे देखते तो दोस्तों इसमें हमने देखा कि क्लॉज नंबर 26 से लेकर 31 तक मेथड ऑफ एड्रेस के बारे में इसमें क्लियरली लिखा होना है कि आपका जो एड्रेस है पूरी तरह से होना चाहिए, उसमें इनडेफिनेट नहीं डिफिनेट होना चाहिए. एड्रेस लिखने के लिए जो है ऊपर का जो साइड है 3 सेंटीमीटर का आपको स्पेस देना है, नीचे राइट हैंड साइड का है एड्रेस लिखना है फ्रंट साइड में. जो पोस्ट ऑफिस है उसका नाम है ब्लॉक लेटर में लिखना चाहिए, साथ ही साथ जो पिन कोड है आपको वो लिखना है चाहिए. अगर डिस्ट्रिक्ट का पिन पोस्ट टाउन सेम है तो आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है, अगर डिस्ट्रिक्ट भी सेम है तो आपको स्टेट लिखना चाहिए. अगर फॉरेन को आर्टिकल अगर फॉरेन कंट्रीज़ के लिए आप एड्रेस आर्टिकल बुक करते हैं तो जो एड्रेस है वो रोमन लेटर और अरेबिक फिगर में होना चाहिए. और साथ ही साथ यहाँ डिज़ायरेबल है कि सेंडर्स का जो एड्रेस है वो लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में होना चाहिए, नहीं तो जो आर्टिकल है रिवर्स साइड में होना चाहिए. और साथ ही साथ कोई कंजेशनल रेट पे कोई
बुक पोस्ट या रजिस्टर ब्लाइंड लिटरेचर पोस्ट करता है तो उस एड्रेस आर्टिकल के ऊपर उसका बुक पोस्ट ब्लाइंड लिटरेचर लिखना ज़रूरी है। साथ ही साथ कोई हेवी मेल्स यानी कि अगर बल्कि लेटर्स पोस्ट करता है तो उसके ऊपर लेटर्स पैकेट या पार्सल जो है बुकिंग का वो लिखना ज़रूरी है। मेल्स जो डिफेंस सर्विस के लिए हैं उनके लिए जो है पहले उनका जो नंबर है वो रैंक नेम एंड यूनिट ये एड्रेस उनका जो है करेक्ट फॉर्मेट में क्लॉज नंबर 28 में दिया है। जो INS शिप पे काम करते हैं उनके लिए बारे में तो उनको एड्रेस करना हो तो केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे इसके ऊपर भी कोई सवाल आ सकता है। क्लॉज नंबर 29 में दिया गया है जो एड्रेस आर्टिकल्स बियरिंग टू इंडिपेंडेंट जो अपूर्ण पर पते है उसके बारे में यानी कि कोई एड्रेस इनिशियल नेम पे भेज देता है कोई 56 नेम पे या कृषियम नेम पे भेज देता है तो जो है उसमें दिया गया है। क्लॉज नंबर 30 में दिया है एडिशन ऑफ सेंडर्स एड्रेस जो कि जो भेजने वाला है उसका एड्रेस होना ज़रूरी है। और क्लॉज नंबर 31 में दिया है इंटीमेशन ऑफ एड्रेस टू करस्पॉन्डर्स अब्रॉड अगर आपको कोई विदेश से पत्र भेजता है तो उसके लिए आप इंटीमेशन कर सकते हैं कि वो आपका जो स्टेट और कौन सा है वो उसे फर्निश करना है। अब इसके ऊपर जो MCQ क्वेश्चन दे है वो देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने मेथड ऑफ एड्रेस क्लॉज नंबर 26 से 31 तक देखा इसके ऊपर जो MCQ है वो कवर करते हैं। द प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल इज ग्रेटली फैसिलिटेटेड इफ जो डिलीवरी है वो कब फैसिलिट होगी इट इज एड्रेस्ड इन करेक्ट मैनर इट इज एड्रेस्ड इन इनकरेक्ट मैनर इट इज एड्रेस्ड इन इनकम्प्लीट मैनर ऑल द अबव अगर वो एड्रेस पूरी तरह से है तो भी होगी इसलिए इसका सही आंसर है आंसर ए इट इज एड्रेस्ड इन करेक्ट मैनर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। डिले टू करस्पॉन्डेंस एंड मिस्टेक इन डिलीवरी ऑफन रिजल्ट ऑफ अगर करस्पॉन्डेंस में मिस्टेक होती है और डिलीवरी क्यों होती है करेक्ट एड्रेस इनकरेक्ट एड्रेस इनकम्प्लीट एड्रेस या ऑल द अबव तो जो इसका सही आंसर है आंसर सी इनकरेक्ट एड्रेस और इनकम्प्लीट एड्रेस होगा तो डिले टू करस्पॉन्डेंस जो आपके आर्टिकल है उसमें डिले हो सकता है इसलिए इसका आंसर सही आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं वाई द एड्रेस ऑन करस्पॉन्डेंस शुड बी कम्प्लीट एंड डेफिनेट जो आपका एड्रेस पता है वो पूरी तरह से कम्प्लीट और डेफिनेट निश्चित क्यों होना चाहिए टू अवॉइड डिले करस्पॉन्डेंस एंड मिस्टेक इन डिलीवरी टू इंश्योर इजी ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल और टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ डेस्टिनेशन टू द एड्रेस विदाउट एनी इलेबरेट इंक्वायरी तो ये तीनों के तीनों सही है इसलिए हमारा आंसर रहेगा आंसर डी ऑल द अबव। नेक्स्ट देखते हैं द एड्रेस शुड बी रिटर्न पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कवर एंड इन द लोअर हाफ एंड टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द फ्रंट आर्टिकल लिविंग द क्लियर मार्जिन एटलीस्ट जो हमने बताया कि जो मार्जिन है पोस्टेज स्टैम्प्स और पोस्टेज या कोई इंडिकेशन लिखने के लिए वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए इसलिए इसका आंसर सही है आंसर सी 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अ लिस्ट ऑफ हाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंटाइल टू प्रिविलेज ऑफ डिलीवरी ऑफ देयर मेल्स देम वेर एवर दे मे हैपन टू बी टूर विद इन इंडिया विल फाउंड इन क्लॉज नंबर ऑफ पीओ गाइड जो कि कौन से क्लॉज नंबर में मिलती है तो ये क्लॉज नंबर 205 में मिलती है सॉरी क्लॉज नंबर 206 तो इसका सही आंसर है आंसर सी 206। मेल्स फॉर द डिफेंस सर्विस पर्सनल सर्विंग इन आर्मी एंड एयरफोर्स शुड बी एड्रेस्ड 56 APO 99 APO तो जो इसका सही आंसर है आंसर बी फर्स्ट एंड सेकंड आप सिर्फ और सिर्फ 56 APO और 99 APO को ही एड्रेस कर सकते हैं। मेल्स फॉर द नेवी पर्सनल सर्विंग INS शिप शुड बी एड्रेस्ड जो कि नेवी में है उनके लिए एड्रेस कहाँ करना चाहिए केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे 56 APO 99 APO केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस कोलकाता तो जो केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे है वहाँ किए जाते हैं इसलिए इसका सही आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट देखते
क्वेश्चन नंबर 8, मेथड ऑफ एड्रेस इज डिफाइंड इन द क्लॉज नंबर ऑफ पीओआई। तो यह क्लॉज नंबर पूछा गया है, तो क्लॉज नंबर 26 पीओआई पार्ट 1, तो इसका सही आंसर है आंसर सी, क्लॉज नंबर 26 ऑफ पीओआई पार्ट 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वेयर शुड बी द सेंडर एड्रेस टू बी रिटर्न ऑन द आर्टिकल। तो एड्रेस का सेंडर का जो एड्रेस है वो कहाँ लिखना चाहिए। वे शुड बी द सेंडर एड्रेस बी रिटर्न ऑन द आर्टिकल, ए अपर राइट हैंड कॉर्नर, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, लोअर राइट हैंड कॉर्नर, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। जो सेंडर का एड्रेस है वो लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर डी, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। हु आर अलाउड टू द फैसिलिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ मेल्स टू देम वेर एवर दे मे हैपन टू बी ऑन टूर विद इन इंडिया। तो जो कैंप बैग का जो फैसिलिटी या स्पेशल बैग का प्रिविलेज है वो किसके लिए है, फिल्म एक्ट्रेस, हाई गवर्नमेंट ऑफिसर, स्पोर्ट्स पर्सन या डॉक्टर्स। तो जो हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनके लिए कैंप बैग का है, इसलिए इसका सही आंसर आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्रेस पोजिशन। ए अ क्लियर मार्जिन ऑफ 3 सेंटीमीटर शुड बी लेफ्ट ऑन द टॉप ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प्स एंड लेबल और अदर इंडिकेशन, ए भी सही है। एड्रेस शुड बी रिटर्न ऑन पैरेलल ऑफ द लेंथ ऑफ द कवर, ए भी सही है। इट शुड बी इन अ लोअर हाफ एंड टूअर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द आर्टिकल। तो ये तीनों के तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं सेंडर एड्रेस शुड बी रिटर्न, जो सेंडर का एड्रेस है वो कहाँ लिखना चाहिए, इन द बैक साइड ऑफ द आर्टिकल, यस, इन द बॉटम ऑफ लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड, इन एनीवेयर ऑफ द पोस्टल आर्टिकल, नन ऑफ द अबो। तो जो उसका एड्रेस है सेंडर का इन द बॉटम ऑफ लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड, तो ये बी करेक्ट है इसलिए का। नेक्स्ट दीजिए क्वेश्चन नंबर 13, इन द ऑफिस ऑफ डिलीवरी इफ इट इज फाउंड दैट देर इज नो पोस्ट बॉक्स इन द नेम ऑफ एड्रेसी और द एड्रेसी हैज स्टॉप्ड टू द पेइंग ऑफ रेंट ऑफ द पोस्ट बॉक्स द आर्टिकल विल बी। अगर पोस्ट बॉक्स पे बॉक्स के नाम पे कोई लेटर आ जाता है और उस वो पोस्ट बॉक्स पोस्ट ऑफिस में नहीं है या वो पोस्ट बॉक्स क्लोज किया गया है तो आर्टिकल को क्या किया जाएगा, तो रिटर्न टू सेंडर, पोस्ट मास्टर कैन डिसाइड, रिटर्न टू आर एल ओ, नन ऑफ द वो। तो जो आर्टिकल है वो उसे रिटर्न टू सेंडर किया जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इन केस आर्टिकल एड्रेस्ड टू फॉरेन कंट्रीज द आर्टिकल शुड बी रिटर्न। अगर वो फॉरेन कंट्रीज के लिए आर्टिकल भेज देते हैं तो आर्टिकल कैसा होना चाहिए, ए रोमन लेटर, अरेबिक फिगर, बी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ द। तो फॉरेन कंट्रीज के लिए भेज देते हैं तो वो रोमन लेटर और अरेबिक फिगर में होना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर सी, बोथ ए एंड बी। एवरी आर्टिकल बियर द नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑन द बॉटम ऑफ लोअर कॉर्नर फॉर द पर्पज ऑफ। तो जो एड्रेस सेंडर का एड्रेस है वो क्यों जरूरी है, अ लार्ज और नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल आर डिस्ट्रॉयड एवरी ईयर इन वेरियस आरियो। जो रिटर्न लेटर ऑफिस है वहाँ बहुत सारी ऐसे आर्टिकल है वो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। इन केस नॉन डिलीवरी पर आर्टिकल टू रिटर्न इट टू द सेंडर अनओपन्ड एंड विदाउट डिले। तो ये दोनों के दोनों सही है, इसलिए इसका हमारा आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मेथड ऑफ एड्रेस के बारे में देखा, साथ ही साथ जो उसके ऊपर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे 15 वो भी कवर का। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो दोस्त साथी कलीग जो है वो एग्ज़ाम की प्रिपेयर करें उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।